गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन नंबर 5, जिसमें हमें करना है कुछ रैशनल नंबर्स को रैशनलाइज। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। तो रैशनलाइज करने के लिए अगर डिनोमिनेटर में सिंगल रूट 7 हो या सिंगल रूट 2, कोई सा भी नंबर अंडर रूट हो, तो हम उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √7/√7। वैसे ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप होता है, लेकिन मैंने यहीं करके दिखा दिया, आप इस स्टेप्स को नीचे करेंगे, ठीक है। 1/√7 इज √7 एंड √7/√7। जब सेम नंबर हो, जैसे 7 और 7 सेम है और दोनों के ऊपर अंडर रूट हो, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और हमारा आंसर आता है सिंगल 7। सो दिस इज आवर आंसर। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट थोड़ा सा चेंज है। इसमें है डिनोमिनेटर में √7-2। जब भी इस तरह से आपको दो नंबर दिखें और उनके बीच में माइनस प्लस कोई भी साइन सिंबल दिखे, तो आप उस सिंबल को चेंज कर दीजिए। जैसे √7-2 है, हम इसको ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन चेंज करके, √7+2। अब 1 को सभी जानते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इसका आंसर होगा √7+2। और अब हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर्स में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, √7-2 √7+2। तो कुछ रियलाइज हो रहा है, a - b a + b, ये किसके इक्वल होता है, a² यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √7+2। अब √7 को √7 से करेंगे तो मैंने आपको अभी बताया था रूट हट जाएगा, सिंगल 7 आएगा। और यहाँ पे हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4। किड्स, हमेशा रिमाइंड रखना ये बात, किड्स जल्दी जल्दी में क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। वो ये नहीं ध्यान देते कि 2 पे अंडर रूट का साइन नहीं है, तो हम इसे 2 times मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू √7+2। नाउ 7-4 = 3। हैव यू गॉट, गुड। आइए अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए, इसमें माइनस है तो हम साइन चेंज कर क्या करेंगे, प्लस √7+√6/√7+√6। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर इटसेल्फ इसका आंसर होगा, दैट मीन्स √7+√6 इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में a - b a + b अगेन आ गया, विच इज इक्वल टू वॉट, a² यानी कि √7² माइनस b² √6² ये इक्वल होगा √7+√6। √7² क्या होगा, 7, माइनस √6² क्या होगा, 6। नाउ विच इज इक्वल टू √7+√6/7-6 = 1। 1 हम डिनोमिनेटर में लिख भी सकते हैं और इसको बिना डिनोमिनेटर को 1 लिखे सिंपली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है किड्स, हैव यू गॉट, गुड। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 1/√5+√2। अब हम सिंबल चेंज करेंगे, प्लस का सिंबल को किस में चेंज कर देंगे, माइनस में, √5-√2/√5-√2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सिमिलर न्यूमरेटर आएगा हमारा √5-√2 एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a + b a - b इक्वल होगा a² यानी कि √5² - b² √2² और ये इक्वल हुआ √5-√2/√5² किसके इक्वल होगा, 5 के, और √2² किसके इक्वल होगा, 2 के, और ये इक्वल हो गया √5-√2, 5-2 = 3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप किड्स, रैशनलाइज क्या है और कैसे करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें डिनोमिनेटर में अगर कोई साइन गिवन हो प्लस या माइनस का, तो साइन को चेंज करके
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम रैशनलाइजेशन। एंड अगर डिनोमिनेटर में सिंगल रूट में कोई नंबर हो तो हमें उस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज़ द रैशनलाइजेशन। हैव यू गॉट? इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स।